लैंडलाइन से फोन करिए पुष्पा जी के फोन पर, जाइए जाइए ताकि टाइगर का ध्यान भटकाया जा सके। पुष्पा जी आपके पीछे शेर है। उड़ गए। अरे कहाँ है वो टाइगर, कहाँ है? हैं? अरे हम अपनी अनारों का उसे इंतकाम देंगे। अरे मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। क्यों भाइयों? एक मिनट। नवाब साहब, आप एक मासूम जानवर की हत्या करना चाहते हैं? हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, हम उसे सही सलामत जंगल भिजवाएंगे। अरे हसीना जी, उसने हमारी अनारों को मार के खा लिया है। अरे एक बात बताइए, खुदा ने खास्ता, अगर हमारी अनारों की जगह पे इनमें से किसी एक का बच्चा होता और वो उसका वो खा लेता, फिर भी आप यही कहती? नहीं नहीं नहीं, उस जानवर की कोई गलती नहीं है, है? हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे, हरगिज नहीं होने देंगे। क्यों भाइयों? नहीं होने देंगे। एक मिनट। नवाब साहब, आपको भी कोई हक नहीं है उसके जंगल में, उसके घर में घुस कर उसके घर को तहस नहस कर दे। घर घर होता है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, उसे प्यारा होता है। ऐसा ना हसीना जी, एक बार बताएं आपसे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे और उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये सिर्फ हम नहीं, पूरा शहर कह रहा है। जो भाइयों, आप जरा रास्ते हट जाइए, वरना आप ना ये भीड़ का गुस्सा जानती नहीं है। हटिए। भीड़ से भेड़िए डरते हैं, टाइगर और पुलिस नहीं। यहाँ 100 की जगह अगर 1000 लोग भी आ जाए, तब भी उस टाइगर का हम बाल नहीं बाका होने देंगे। देखा देखा, अरे भाइयों आप लोगों ने खुद देखा ना कि हसीना जी उस जानवर को बचा रही हैं। अरे जरा सोचिए कि खुदा ना खास्ता अगर वो जानवर बाहर आ गया तो हम सभी लोग उसके जबड़े के अंदर होंगे, और फिर वो ये नहीं पूछेगा कि भाई कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ। मैडम जी ये देखिए, उस जानवर ने कितना ज्यादा हमला किया है, कितना गहरा घाव है, देखिए। हाँ मैडम सर, इतना ही नहीं, हमारे घर के बाहर खूंटे में फंसी बैल उसको भी मार डाला है। हंटर नहीं, ये खूंटा है, इसी से भैंसिया बंधी थी। अरे हटो सामने से। शांत हो जाइए। अगर ये नारा हो गया होगा ना तो अपने घर का रास्ता नाप लीजिए सबकी सब। 100 मीटर की दूरी पे दिखाई देने चाहिए हमको सब, थाना से समझ गए? वो शेर बाद में मारेगा, पहले हम सबको मारेंगे यहीं पे। हाँ देखिए मोहतरमा, आप क्या कर रही हैं ये आपको भी नहीं पता। खुदा ना खास्ता अगर ये गोली चल गई ना तो भरी जवानी में हम तो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। भरी जवानी नहीं नवाब साहब, गुजरी जवानी।
कोई अच्छा म्यूजियम ढूंढ लीजिए, वहाँ पे जमा कर दीजिए अपने आप को, क्योंकि यहाँ का सबसे पुराना चीज आप ही है, समझ गए? देखा भाइयों, आए, अरे करिश्मा जी, उस जानवर के लिए हम पर बंदूक ताने हुए हैं, लेकिन ये बचा नहीं पाएंगी, क्योंकि हम महिला पुलिस थाने के सामने इतना दबाव डालेंगे कि ये लोग बाघ को हमारे हवाले कर देंगे। लेकिन जो ये जगह है ना, यहाँ खड़े रहना इस समय मुनासिब नहीं है, है? हम लोग क्या करते हैं कि 100 मीटर के दायरे के बाहर खड़े होके हम उसका इंतजार करते हैं। और भाइयों, आप लोग हमारे साथ है ना? हाँ, तो अपनी जगह पे खड़े रहना, और जैसे ही बाल आवे वैसे उसे गोली से ठार कर देना। अकेले? अरे यार, तो क्या पूरी फौज? अरे सुनो, हमको ना तुम्हारे निशाने पे पूरा भरोसा है, ठीक है? खड़े रहो, आयो, चलो। सबसे पहला काम, वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत नवाब के खिलाफ एक FIR लिखिए। जी मैडम सर, बस अभी लिख देते हैं। मैडम सर, टाइगर के बाद अभी थाने में भूत आ गए, देखो दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चिल्लाओ मत। कौन कौन? देखो भूत 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 नहीं है, भूत नहीं है, नवाब साहब जो भीड़ लेकर आए वो दरवाजा बंद कर रहे हैं। बाप रे, इसका मतलब हम सब थाने में बंद और अंदर टाइगर आ जाए। ये पुष्पा जी बार बार बेहोश हो रहे हैं, ये तो कैसे चलेगा? संतोष, पानी। नहीं आया ना मैडम सर आज भी, अभी 8:30 बजे आने वाला था पानी, लेकिन रात तो इतनी गुजर गई। संतोष जी अपना बहुत ही ज्यादा मासूम है, मतलब मासूमियत जो है ना, कोई पुष्पा जी को होश में लाएगा। हाँ? अच्छा तो ऐसा बोलिए ना मैडम सर, एक मिनट, पुष्पा जी आपके पीछे शेर है। आ गया, देखो वो आ गया, पुष्पा जी रिलैक्स, ब्रीद। ये क्या, ये खिड़की और दरवाजे बंद क्यों है? पुष्पा जी दरवाजे हमारे मौत ने बंद किए हैं। बिल्कुल चुप कर दो। पुष्पा जी बात सुनिए, देखिए बाहर जो भीड़ है ना, उसने ये सब किया है, वो चाहते हैं कि हम इस बाघ को मार डालें, और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो हमें डराने धमकाने के लिए सब कर रहे हैं, आप डरिए मत। अरे क्या मैडम सर, आप डरिए मत कह रही है, वो बाघ हमारी लगभग गोदी में बैठने वाला था, यहाँ तक आके गया, वो उसकी वो खूंखार आंखें, खूंखार दांत, हम भूल नहीं पा रहे मैडम सर, अगर हमें हमें कुछ हो जाता तो क्या होता हमारी लल्ला का? संतोष शर्मा, रेस्क्यू टीम को फोन लगाइए, पूछिए कितना टाइम लगेगा। मैडम से ये फोन डेड है क्या? और हम सबके फोन तो टाइगर के पास है। ये फोन तो सच में मर गया है, कहीं इस फोन का मरना ये इशारा तो नहीं कि थोड़ी देर बाद हम सब मरने वाले हैं? हमने अभी तक छोटे लल्ला का चेहरा तक नहीं देखा। अरे हम आपके पैर पड़ते हैं पुष्पा जी, थोड़ी देर के लिए अपना ओवर एक्टिंग बंद कर दीजिए, हमारा दिमाग आउट हो रहा है। संतोष, पहले जब कॉल किया था तो क्या कहा था, कब तक पहुंचेंगे वो लोग? 2 घंटे में। हाँ? 2 घंटे, इसका मतलब उनको यहाँ पहुंचने में 1 घंटा और है। आई होप तब तक ये नवाब और उसकी भीड़ शांत रहे। इस नवाब के नवाबी हम अभी जाकर निकालते हैं, माफ कीजिएगा हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा बाहर जाने के लिए। करिश्मा सिंह, अब बाहर जाकर किससे लड़ाई करेंगी, भीड़ से? अरे हमको ये समझ में नहीं आता है, जब सारे काम आपके जज्बात और समझदारी से हो रहे हैं मैडम सर, तो सरकार ने ये बंदूक हमको काय दे दी है? करिश्मा सिंह, बंदूक का जवाब बंदूक देती है, और ऐसी सिचुएशन में इंसानियत और जज्बात काफी है इसे हैंडल करने के लिए। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना, उस दिन हमको इस तरह का डिस्कशन दोबारा नहीं करना पड़ेगा। चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, रिलैक्स, बाहर चलिए। नहीं मैडम सर, आइए, चलिए, दैट्स एन ऑर्डर, चलिए, आप चलिए, मौत के मुंह में चल भी लौटे। नहीं।
एक काम करते हैं, चीते हमारा मदद करो, ये टेबल लगा देते दरवाजे के बाहर, तो वो बाहर आने से रोक देंगे। हाँ हाँ, चलो 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 चलो, चल चल जा। लगा लो डिनर के लिए प्लेट सजा दो, अलग अलग प्लेट में हम सब पूरा क्यों खा जाएगा? सोचो वो टाइगर हमें क्या क्या डिश समझकर खाएगा। करिश्मा टिक्का मसाला, हसीना बिरयानी, पुष्पा फ्राई, संतोष तड़का, नहीं संतोष शेजन राइस, तो चीता चीता चाट मसाला, बिल्लू भरता, बिल्लू भरता नहीं, बिल्लू जला हुआ भरता, पुष्पा जी और वो नवाब, उसके रूम के सब दरवाजे खिड़कियां बंद, के दरवाजे बंद, के बिन के दरवाजे खिड़कियां बंद, जाए कहां, लौटे मर जाएंगे हम लोग यार। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। मम्मी मम्मी की याद आ गई, पहले मैं डरती थी ना तो मम्मी लोरी गाती थी तो अच्छा लगता था, इसलिए अभी मैं खुद लोरी गा रही हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना। चंदा है तू, सुन तू ये बंद बंद करो ये लोरी गाना। हाँ चांद सूरज काम को पता नहीं, तारे दिख जाएंगे तुमको, अभी चंदा है तू, सूरज है तू। हमने सोचा था लल्ला के पप्पा से मिलने से पहले हमारे लल्ला के लल्ला का चांद सा चेहरा हम देख पाएंगे, मगर हमारे भाग्य फूट गए। देखिए नहीं पसंद आ रहा है उसको, आपका बात नहीं पसंद आ रहा है, मत करो लल्ला लल्ला अभी। एक मिनट, आप सब लोग कुछ गौर किए? संतो जी आप एक बार फिर से गाइए तो जरा, ये लोरी जो गा रही थी आप कहिए ना एक बार, प्लीज प्लीज संतो जी गाइए ना प्लीज। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। संतु तुम्हारी लोरी की वजह से वो बाघ जो है वो शांत हो रहा है। चुप बैठा एकदम। संतु जी चलो रखो, बिल्लू जी एक ही लोरी आती थी वो तो गा, रिपीट तो रिपीट लेकिन गाओ गाओ। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। करिश्मा सिंह, हमें नहीं लगता कि बाहर जो भीड़ है वो रेस्क्यू टीम को यहाँ तक आने देगी, और उस टाइगर को हम कितनी देर अंदर रख पाएंगे वो तो अल्लाह ही जानता है, इसलिए अब जो करना होगा वो हमें करना होगा। हमें समझे नहीं मैं, मतलब हमें ही इस टाइगर को रेस्क्यू करके रेस्क्यू टीम तक पहुँचाना होगा। मैडम सर जज्बातों से मुजरिम को पकड़ने में और टाइगर को पकड़ने में बहुत फर्क होता है, शांत हो रहा है ना लोरी सुन के, जब तक रेस्क्यू टीम आ जाएगा आप थोड़ा सब्र रखिए। करिश्मा सिंह उतना टाइम नहीं है हमारे पास, जो करना होगा हमें अभी करना होगा, हमें ही इसे जंगल पहुंचाना होगा। अरे पर हम कैसे करेंगे मैडम सर? हम आपको बताते हैं। देखिए देखिए आप लोग यहाँ से सामने सरिए, प्लीज प्लीज आप यहाँ सरिए। देखिए हम लोग रेस्क्यू टीम वाले हैं और हम टाइगर को लेके जाने वाले हैं। हम तुम्हें इस टाइगर को जिंदा ले जाने नहीं देंगे। लाश जाएगी, लाश जाएगी, लाश जाएगी। हाँ हाँ, नवाब साहब आपके गुस्से के पीछे। अरे बंद करा, अरे बंद करो, देखो ऐसा है ना, हम कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होने देंगे न्यूज की, क्योंकि अगर तुम लोग न्यूज चलाओगे ना तो फिर एनजीओ वाले आ जाएंगे, पूरी फोर्स आ जाएगी और सब लोग इसको बचा के ले जाएंगे टाइगर को, लेकिन हम टाइगर को जिंदा नहीं जाने देंगे। क्यों भाइयों? नहीं जाने देंगे, जिंदा नहीं जाने देंगे। ठीक है हमको भी नहीं करना आपके साथ काम, हमारा दिमाग का दही करके रख दिया है। क्या वो करिश्मा मैडम? अरे ये संघ की औरत कौन? पुष्पा जी? हम पुष्पा जी नहीं, हम ये जज्बातों वाली की बात कर रहे हैं। हमको समझ में नहीं आता है किसने इनको एसएचओ की पोस्ट में नियुक्त कर दिया है, हमारा दिमाग का दही करके रख दिया है। हमको नहीं करना है इनके साथ काम, हम नहीं करेंगे, खुद तो मरेंगी हमको भी साथ में मरवाएंगी, इसलिए बड़े बुजुर्ग ठीक कह के गए हैं कि शादी ठीक टाइम पे कर लेना चाहिए। आप ये बताइए आप बाहर कैसे निकली? हम दरवाजा तोड़ कर आ गए बाहर। आ
आपने हमारे हवेली का दरवाजा तोड़ दिया। देखिए वो सन की औरत से बचने के लिए हमें आपका मुंह भी तोड़ना होता ना तो हम वो भी तोड़ देते। ये तो सिर्फ एक घटिया दरवाजा था, पर बाकी ये बात रही आपके घटिया दरवाजे की तो हम बनवा देंगे इसको। कम से कम ये तो अच्छा हुआ कि एक पुलिस वाले के कान में हमारी बात तो घुसी। अब बस धीरे धीरे करके सब लोग चले जाएंगे, उसके बाद हम उस बाघ को ना पकड़ेंगे, उसका जबड़े को तोड़ देंगे। हाँ देख लेंगे, हम भी देख लेंगे। करिश्मा जी, संतू जी तो ठीक है ना? नहीं नहीं, संतू और चीता ना बाघ पे बैठ के घोड़ा घोड़ा खेल रही है। है क्या, लोरी सुना रही है उसको। और तुम हमारा मुंह का देख रहे हो खड़े खड़े? जाओ ना जाके रिकॉर्ड करो वो। तुम मीडिया वैसे भी कोई ढंग का तो छापते नहीं हो, तो जनता यही देख लेगी। थाने में कैद हो गई गोरी, जंगल से भागा बाघ, सुन रहा है लोरी। जाओ जाके रिकॉर्ड करो, जाओ जाओ, मजा आया से। अरे 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 भाइयों, अरे आप लोग चलो गाड़ी के सामने आओ, सामने आओ, सामने जाने नहीं देना है, सामने आओ, नहीं जाने देना। अरे आप है कौन? हम ऐसा ही करिश्मा से, अब हमारा बात सुनो। देखिए इसी तरीके से अगर टाइगर को बेहोश करने वाली किट यहाँ तक पहुँच जाए तो हम इसे बेहोश करके रेस्क्यू टीम तक पहुँचा सकते हैं। नहीं नहीं, लेकिन इतना भीड़ के अंदर से जाके रेस्क्यू टीम तक हम पहुँचेंगे कैसे? एक काम करिए, आप बाहर जाइए और ऐसा प्रटेंड करिए जैसे कि हम एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। मैडम सर, कैसे कोई मान लेगा कि हम आपके खिलाफ हो? मानेंगे मानेंगे, आप बाहर जाइए, आप हमारी बुराई करिए, आप ऐसे बातें करिए जिससे ऐसा लगे कि टाइगर की वजह से हमारे बीच बहस हो गई और अब हम एक दूसरे के खिलाफ। ये बहुत आसानी से सब मान जाएंगे। अच्छा ठीक है, मान लिया कि हम यहाँ से निकल गए, हम रेस्क्यू टीम तक पहुँच गए, किट ले आए, बेहोश कर दिया टाइगर को, लेकिन बाहर कैसे पहुँचाएंगे ट्रक तक? वो सब हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप जाइए और इसे बेहोश करने का किट लेकर आइए। चाहिए चाहिए चाहिए, टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है मैडम, हो जाएगा हो जाएगा, ऑल द बेस्ट। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। लोरी तक ठीक है, इसको डीजे बिल्कुल पसंद नहीं है बिलोटे। मैडम, मैडम सर, हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है, लोग जंगल वंगल काटता कहाँ है? लोग जंगल काट रहे तभी तो ये सब हमारे घर में घुस रहे हैं ना। लालच चीते लालच, जंगल काटने से तो बहुत सारा पैसा मिलता ही है, इनकी इलीगल स्मगलिंग का भी लाखों करोड़ों का कारोबार है। अगर हमने इन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो बहुत जल्द ये विलुप्त हो जाएंगे। मैडम सर, मैडम, इकबाल मेरे भाई, देखो हम सबको बचाने के लिए आया है। इकबाल, ये तेरा एहसान मैं जिंदगी भर याद नहीं रखूंगा। इकबाल करिश्मा सिंह का है। मैडम सर, ये बंदूक और ये बैग दे, करिश्मा मैडम ने जबरदस्ती हमको अंदर भेजा। पहले तो हमने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं जाएंगे, फिर पता उन्होंने क्या किया? क्या क्या, इधर 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 पिस्टल लगाया, इधर हम डर के मारे अंदर आए। बस मैडम सर, ये कोई तरीका हो? नहीं डरेगा तो जिएगा कैसे? जैसे तू जी रहा है तू। देखा देखा मैडम सर, आपने इकबाल के हाथों बैग और बंदूक भेज दिया और करिश्मा जी यहाँ से भाग गई। इसीलिए तो हम कहते हैं हमारे तो नसीब ही फूट गए जो हमें ऐसी बहुरानी मिली है। यहाँ उनकी सास बाघ को शांत करने के लिए लोरी गा गा के अपना गला सुखा रही है, मगर वो बिल्ली की तरह यहाँ से भाग गई। पुष्पा जी रिलैक्स, हम ही ने कहा था करिश्मा सिंह से भागने के लिए। अरे बाप रे बाप, संतु जी ना। हम ही ने उन्हें कहा था इकबाल को भेजने के लिए, क्योंकि फिलहाल हमें उसकी जरूरत है। क्लियर? तुम बंदूक दो। हाँ हाँ मैडम, आराम से इसको खोल दे। ठीक है, अभी आप लोग थोड़ी देर के लिए लोरी शांत ही रखिए, ठीक है, ताकि धीरे धीरे वो बाघ दरवाजे की तरफ पहुंचे और हम खिड़की से उसे शूट करके बेहोश कर सके। क्लियर? हाँ मैडम सर। मैडम सर, हम क्या कह रहे थे, अभी अभी बस हमारे सुर लगने शुरू हो गए थे, तो और थोड़ी देर लोरी गाते ना, बहुत मजा आ रहा था। पुष्पा जी, थोड़ी देर बहुत देर हो जाएगी ऐसे। हाँ हाँ। मैडम सर, अगर ये बेहोशी की गोली लगने से पहले टाइगर दरवाजा तोड़ के बाहर आ गया तो क्या होगा हमारा? संतोष जी, क्या होगा? क्या होगी? हम सब की मृत्यु। शुभ शुभ बोल रहे हैं, शुभ शुभ बोल रहे हैं यार। चुप
कीजिए आप सब, कुछ नहीं होगा किसी को, उसके पहले हम उसे बेहोश कर देंगे, ठीक है? आप लोग धरना बंद करें। अरे क्या है मैडम सर, आप बार बार डरिए मत, डरिए मत कह रही हैं। वो बाघ हमारे यहाँ तक आके गए। कैसे पुष्पा जी? पुष्पा जी हम जानते हैं। पुष्पा जी खिड़की खोलो। क्या तो पुष्पा जी? नहीं 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 मैडम सर, वो अब हमारा हाथ ही नहीं पहुंचता। मेरा भी हाथ नहीं पहुंचता मैडम सर। चीता आओ, आओ जल्दी आओ। मैडम सर हम हम मैडम सर हम आदमी भेज रहे हैं ना मैडम सर, लीजिए चाबी लौटे, जा जल्दी करो, चाबी लौटे। खोलो 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 खोलो, धीरे से खोलना। हो गया। पक्का पक्का? अबे तब भी कितना प्यारा लग रहा है ना पीयूषी भी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, नया जन्म है हम लोग का। ओके बिल्लू, चीता और इकबाल, आप तीनों इसे उठाकर नवाब के किसी ट्रंक में रख दीजिए, ठीक है? मैडम सर वन क्वेश्चन, मतलब टाइगर को ट्रंक में रखते रखते उसको होश आया तो? मुझे अपनी फिक्र नहीं है, बस चीता की फिक्र है, इसीलिए झूठा। इस तरह के बेहुदा सवाल करते रहना, वो जरूर होश में आ जाएगा। चलिए गेट टू वर्क, जल्दी जल्दी जल्दी। तुम चलो, तुम चलो, पता किधर ट्रंक आ जाओ। अब हमें सबसे पहले नवाब को सबक सिखाना है। कैसे? उसी की जबान में। इकबाल जाओ बाहर, जाकर नवाब के आदमियों से कह दो कि टाइगर यहां से भाग चुका है। ठीक ठीक